हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है किस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हम बात करने वाले एक्सारो टाइस एज वेल एज विंडलास से रिलेटेड तो इन दोनों कंपनी में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है एक भाग ली है एक भागने का वेट कर रही है तो आइए वीडियो में चलते हैं देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जानते हैं क्या कंपनियां करती है और कितना टाइम हमें लगेगा कि ये शेयर आपको अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ और यहाँ पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट फॉर एवर को जो कि आपका खुद का चैनल है और बेलाइकन को हिट कर लीजिए लोगों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को लाइक करिए दूसरी वीडियोज़ को देखिए जाके उन्हें लाइक करिए और सीखिए यहाँ पर दो वीडियोज़ आज की डेट में आ चुकी है कल मैं इसी स्टॉक को बाई करने वाला हूँ अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा है अच्छे खासे गेन यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर स्टॉक्स ये भी है तो प्ले लिस्ट को यहाँ पर प्लेलिस्ट में अच्छे दे रखे है। आ, आपको बता रखा है आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्टिकुलर उन तो स्टॉक्स से रिलेटेड तो सबसे पहले एक्सारो टाइल्स एक्सारो टाइल्स जैसे कि आपको पता ही है हमेशा मैं आपको एक चीज जब टाइल्स से रिलेटेड हमारे माइंड में जब भी कोई चीज आती है टाइल्स हमें कब यूज होते हैं हमें घर के डेकोरेशन के लिए यूज यूज़ होते हैं अगर हम बात करें घर बनाने में ऑफिस बनाने में मतलब ये क्या रोल प्ले करता है ये रोल प्ले करता है एक ऐसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माइंड में आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में के लिए भारत की गवर्नमेंट किस तरीके से आ, किस तरीके से एग्रेसिव यहाँ पर काम कर रही है क्या उसी के लिए यहाँ पर अगर बात करें डायवेस्टमेंट का प्लान चल रहा है उसी के लिए यहाँ पर आ, सब चीज यहाँ पर काम करती हुई गवर्नमेंट नजर आ रही है क्या की एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो यूज होंगे ही होंगे और यहाँ पर बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो भारत और ज्यादा तरक्की करता हुआ नजर आएगा और जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रियलिटी स्टॉक्स ही नहीं है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की भी जरूरत होती है ओके आ, बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग बनाने में यहाँ पर आ, सीमेंट भी लगेंगे ओके यहाँ पर पीडी लाइट के प्रोडक्ट भी यूज होंगे यहाँ पर टाइल्स भी लगती हुई नजर आएगी यहाँ पर वुड्स के प्रोडक्ट यूज होते हुए हो नजर आएंगे तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर स्टॉक है एग्जारो टाइल्स एग्जारो टाइल्स की बात करें तो डबल चार्ज बैटरी बैटरीफाइड टाइल्स एंड ग्लेज वैट्रीफाइड टाइल्स यूज फॉर फ्लोरिंग सोल्यूशन इट प्रोडक्ट बास्केट मतलब प्लस यहाँ पर डिजाइन के यहाँ पर इनके पास टाइल्स है मतलब प्रोडक्ट्स है इट इज सोल्ड अंडर इट्स ओन ब्रांड मतलब एग्जारो के नाम से यहाँ पर ये बेचा जाता है द कंपनी हैज़ अ पैन इंडिया प्रेजेंस विद 2000 प्लस रजिस्टर्ड डीलर अक्रॉस 24 स्टेट्स स्टेट यूनियन एंड टेरिटरी तो यहाँ पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है पैन इंडिया में एक्सारोटाइल्स अगर हम एक बार इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा पर पर क्राफ्ट मैनशिप इससे रिलेटेड यहाँ पर, पर, पर चीज दे रखी है ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पर है यहाँ पर ब्रांड की बात करें तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड यहाँ पर जान सकते हैं एक्जारोटाइल्स मैन्युफेक्चरिंग कंपनी इससे रिलेटेड यहां पर इससे पढ़ सकते हैं और टाइल्स एक्सप्लोरिंग टाइल्स पर एप्लीकेशन यहाँ पर बात करें

मैसेडोनिया एज वेल एज एशिया की बात करें ताइवान ओमान इंडोनेशिया टेस्ट बहरीन यू एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया सिडनी ब्रिस्बेन पर्थ मेलबर्न एज वेल एज अफ्रीका में बात करें मोरको जोबिया जाम्बिया सॉरी एज वेल एज सूडान और साउथ अफ्रीका अमेरिका की ब्राजील मैक्सिको कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यहाँ पर ये सब जगह यहाँ पर प्रेजेंट है जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रोडक्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात करें यहां पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इनके बारे में जान सकते हैं एज वेल एज बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल मार्केट कैप छे सो उनतीस को मतलब स्मॉल से भी कम है मतलब माइक्रो कैप कंपनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस uh, होकर पर पैसा लगाना चाहिए पी रेशो इकतालीस का पीई है आर की बात करें थर्टीन का आर का है डेट की बात करें तो इसके ऊपर डेट बुझ जाता है ओके okay, मतलब जितना छह सौ उनतीस करोड़ से भी ज्यादा का पर डेट है कोई प्लेजिंग नहीं है कंपनी का कंपनी के ऊपर और यहाँ पर अभी ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया बट यहाँ पर जिस तरीके से भाग रहा है तो इसके बेसिस पे यहाँ पर वीडियोस बनानी जरूरी थी एज वेल एज यहाँ पर पीयर से कंपैरिजन करें तो देखिए मार्केट कैपिटल मार्केट कैप की बात करें तो एशियन ग्रेनेटो और इसका दोनों खज सेम ही है बट यहाँ पर पी की बात करें एशियन ग्रेनेटो सस्ता दिखाई देता है और न्यू आया है तो लोग यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं आरो सी पर लगभग सेम ही है यहाँ पर अभी तक इसके रिजल्ट नहीं आए हैं जब आएंगे क्यू टू के रिजल्ट तो आपको पता चलेगी पर... प्रॉफिट एंड लॉस हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे तो पिछले पांच साल की तो एक सौ अट्ठाईस करो एक सौ अड़ती दो सौ बीस दो सौ बयालीस दो सौ इकतालीस और दो सौ पचपन तो मतलब कंसिस्टेंसी के तो साथ यहाँ पर ग्रोथ है नेट प्रॉफिट भी देखे तो ग्यारह बारह अठारह फिर यहाँ पर थोड़ा सा आठ और ग्यारह करोड़ का और फिर उसके बाद पंद्रह करोड़ यहाँ पर पैंडमिक का पूरा असर था बट तो यहाँ पर धीरे धीरे कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया जो कि दो सौ पचपन करोड़ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आगे चल के और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कंपनी पैसे खर्च करने वाली है सैनमिक के बिजनेस में उतरने वाली है तो अब इसी बात है यहाँ पर शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा इनके सॉरी यहाँ पर रिजर्व एंड सॉरी नेट प्रॉफिट और यहाँ पर सेल्स इनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी बैलेंस शीट की बात करें पर पर देख सकते हैं रिजर्व करोड़ रुपए के के है की बात करें कंपनी पास यहां पर देखें। तो आ, यहां पर अट्ठावन करोड़ रुपए की है जो की रिजर्व से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि छह करोड़ से तो उसके लिए माफी इसके लिए डेट टू इक्विटी की बात करें वन रेशो थर्टी मतलब इनके जो रिजर्व और यहाँ पर शेयर जो इनका पैसा होता है उससे भी यहाँ पर ज्यादा इनका जैसे कि यहाँ पर आपका कौन यहाँ पर ऐड हाँ, रिजर्व और शेयर कैपिटल इसे मिला के भी आप देखेंगे तो उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पांच करोड़ का कैश है और यहाँ पर बहुत जल्दी आई थिंक यहाँ पर जैसे कि आईपीओ के वक्त में उनके मैनेजमेंट ने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर अगर पैसा खर्च होगा तो ऑबियसि बात है यहाँ पर ये शेयर भी भागता हुआ दिखाई देगा सी यहां पर देख सकते हैं बढ़ती हुई अब नजर आ रही है शेयर पैटर्न अभी तक आया नहीं है बट अगर हम यहाँ पर इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शेयर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया आ, पर फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट थी उसके बाद अपर सर्किट चला फिर मैंने पर, यहां पर के आसपास मैंने पर इसे बाइंग कर लिया था वन के आसपास यहाँ पर बाइंग करी थी मैंने उसके बाद एक दिन दो दिन गिरा फिर उसके बाद अगर देखे तो एक अच्छी खासी इसने रैली दिखा दी और ये शेयर आपको और ज्यादा रैली दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है क्यों क्योंकि देखिए एक तो छोटा स्टॉक है और ये छोटे स्टॉक्स होते हैं ना तो ऐसे स्टॉक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो बहुत जल्दी इसे मैनिपुलेट कर लेते हैं तो शायद इस वजह से भी ये यह शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है बट आपको बैंक की अभी सलाह क्यों नहीं दूंगा क्योंकि एक बार इसके रिजल्ट आ जाए Q2 के एक बार रिजल्ट देख लो क्यू टू के रिजल्ट अगर इसके अच्छे आते हैं तो बिना सोचे चाहे ये ढाई सौ रुपए भी पहुंच जाता है उसके इसमें यहाँ पर एंट्री ले लीजिएगा तो आपको कोई घाटा नहीं होगा ये शेयर फिर ढाई सौ से 500 सौ कितनी जल्दी हो जाएगा आप खुद देख लेंगे बट अभी एक लेंगे तो अभी एक अगर बात करें एक रिस्क यहाँ पर दिखाई देगा तो इस चीज को भी आपको खुद ही मैटर करता करता हुआ दिखाई देगा खुद ही आपको सोचना है कि आपको कब इसका इसमें एंट्री लेनी है मैंने एंट्री ले लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता था तो मैंने कही ठीक है रिस्क लेके देखते हैं तो यहाँ पर अच्छे खासे गेंद दे रहा है बट स्टिल आपको अभी यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाए क्यू के अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा दे तो आप यहाँ पर इस स्टॉक्स को यहाँ पर चुन सकते हैं क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत कम होती है ऐसे स्टॉक्स को बहुत जल्दी मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ ले जाया जाता है जो कि हम यहाँ पर पास्ट में भी देख चुके के काफी सारे आईपीओज आए थे उनके लिस्ट हुआ था वो शेयर भागते हुए दिखाई दिए तो इस शेयर की तरफ दिखाई ध्यान दीजिए इसके अलावा हम दूसरे स्टॉक्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं जिसका नाम है विंडलास बायोटेक विंडलास बायोटेक के अभी q1 के रिजल्ट आए थे कंपनी करती क्या है तो उससे रिलेटेड हम यहां पर बात कर लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड और यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर देखिए लीडिंग डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैफेक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सीडीएमओ में कंपनी काम करती हुई नजर आती है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है और यहां पर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स यहां पर बनाती हुई नजर आती है द कंपनी मैनुफेक्चर बहुत सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स डोसेज फॉर्म्स एंड प्रोवाइड्सेंसिविविविविव रेंज ऑफ सीडीएमओ सर्विसेज मतलब लिक्विड एंड सॉलिड बहुत तरीके के यहाँ पर मैनुफेक्चरिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाती हुई कंपनी नजर आती है डेवलपमेंट एंड कमर्शियल मैनुफेक्चर जेनरल प्रोडक्ट्स में कंपनी काम न करती हुई नजर आती है और जेनेरिक दवाइयां किस तरीके से यहाँ पर बिकती है आपको पता ही है क्योंकि उनकी प्राइस भी कम होती है कंपेयर uh, देन अलग जो मार्केट में दवाइयाँ मिलती है तो यहाँ पर उसमें शेयर कंपनी अच्छा खासा का काम करती हुई नजर आती है uh, दो हज़ार एक में यहाँ पर फाउंड हुई थी ये कंपनी इसके रिलेटेड आपने पढ़ा ही होगा जब इसका आई आया था तो इससे रिलेटेड यहाँ पर सारी की सारी जानकारी uh, यहाँ पर इनकी एक बार वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पर आप uh, कंपनी के बारे में देख सकते हैं मैनुफैक्चरिंग क्या क्या करती है उससे रिलेटेड यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर जान के देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट इन एक्सपर्टीज गिवस एंड अनमैच एज और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी मतलब फार्मास्यूटिकल्स के बिज़नेस सी के बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और यहाँ पर देखते हैं एक बार इनके प्रोडक्ट्स में क्या, कौन कौन के प्रोडक्ट्स हैं तो आई थिंक बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए काम करती हुई नज़र आती होगी तो यहाँ पर अगर दे रखा होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे एक बार आ, यहाँ पर आ, एक बार पूरा ओवरव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखा ही है हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती हुई नज़र आती है ब्रांड्स की बात करें

टी रेस्पेक्टिवली के लगभग का डेट एंड फ्री कंपनी कह सकते हैं प्लेसिंग भी नहीं है और यहाँ पर अगर बात करें तिरपन का यहाँ पर पीई है और यहाँ पर पांच का यहाँ पर फेस वैल्यू यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर अगर बात करते हैं क्वार्टरली की तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए जून ये मार्च और ये ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ईयरली बेस पे कंपनी ने परफॉर्मेंस यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ाया और यहाँ पर सेल्स पर इनकी नजर आ रही है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है

लेते तो इसमें भी देखिए एक कंसिस्टेंट यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनका ज्यादा था 2019 में क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर सेम था बट यहाँ पर कुछ खर्चे अर्चे आई थिंक ज्यादा थे इस वजह से यहाँ पर दो में प्रॉफिट ज्यादा था बट पिछले दो साल से एक जैसा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और ज्यादा टाइम इस कंपनी को नहीं हुआ इसलिए धीरे धीरे ये कंपनी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और अच्छा खासा गेंद दे सकती है रिजर्व की बात करें वन करोड़ के रिजर्व है जो की बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बोरिंग यहाँ पर देखिए बोरिंग लगभग अः जहां सत्तावन करोड़ की बोरिंग थी वहाँ बत्तीस करोड़ की रह गई है पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पर अगर बात करें एक करोड़ सॉरी एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी uh, ने कर रखा है इसके अलावा कैश की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैश कंपनी का इकतीस करोड़ का कैश भी है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है जो यहाँ पर देख सकते हैं पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयरली बेसिस पर जो कि बेहतरीन बात है आ, पर पैटर्न दे नहीं रखा है बट अगर हम बात करें विंडलास की तो विंडलास जब से इसके रिजल्ट आए हैं ओके उसके बाद से यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट यहाँ पर नजर आती है एक बार इसका चार्ट पैटर्न ओपन हो जाए दीजिए तो हमें पता चलेगा एक मिनट देख लेते हैं

तो अच्छा खासा स्टॉक नजर आ रहा है बैलेंस शीट वगैरह सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है तो इस शेयर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं बाकी अगर एक चीज और देखे तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर सीखा था एक चीज तो यहाँ पर डब्ल्यू शेप अगर हमने देखा आपने देखा अगर यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो एक डब्ल्यू शेप भी बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए ये यह डब्लू यहाँ पर नीचे याकि शायद ऊपर जाए और इस तरीके से ब्रेकआउट दे दे तो देखते हैं किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता है बट दो स्टॉक्स विंडलाज एज वेल एज एग्जारो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा बैंक सैली की रिकमेंडेशन है और बाइक की कोशिश भी कर रहे हैं q2 के रिजल्ट देख लीजिए फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए वरना जो रिस्क है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे तो सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस